प्रेज द लॉर्ड मेरे जी। तो प्रेज द लॉर्ड एक बार फिर आपके सम्मुख और बहुत अद्भुत प्रकाशन से और प्रभु के गानों पर नाचना, चाहे वो एक दास हो या एक विश्वासी, क्या ये सही है या गलत? और जब आप प्रभु के दास को अगर नाचते देखो तो मेरा जी तो एक गलती मत कर देना। और बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत लोग अपने आप से कुछ सोचने लगते हैं और ये एक हानिकारक हो जाती है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, तेरा अभिषेक हम पे उतरे। पिता वचन प्रार्थना के द्वारा सबके जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से वचन स्टार्ट करने से पहले वही निवेदन करूंगा कि चैनल जो बनाया गया है लाइव प्रेयर के लिए, उसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। आप कृपया करके जितने भी है, आज मैं निवेदन करूंगा कि जितने वीडियो को देखेंगे उसमें से 1000 लोग, देखो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको, 1000 लोग आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ये मुझे पता है ये वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, मेरे इस चैनल पे 50,000 लोग हैं, तो मैं उन 50,000 में से जितने वीडियो देख रहे हैं उनमें से 1000 लोग कह रहा हूँ कि आप जाके आज ये काम आपको करना है। एक प्रभु का दास आपसे ये काम कहने को कह रहा है सिर्फ परमेश्वर कार्य के लिए। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, सिर्फ मुझे खुशी है कि परमेश्वर कार्य और बढ़ेगा, वो काम आप पूरा करोगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो आपका टाइटल है कि जब हम परमेश्वर के दास को नाचते देखें तो मन ही मन घृणा ना करें, क्रोध ना करें। और क्या एक परमेश्वर का दास प्रभु के गान में नाच सकता है सरेआम? मेरे जी तो देखो, होली स्पिरिट जब पवित्र आत्मा होता है तो वही हमारे अंदर आनंद भरता है, वही खुशी देता है। और संसारी गानों में नाचना पाप है, संसारी गानों में, लेकिन परमेश्वर गानों में इन्जॉय करना, आनंद करना, नाचना, क्योंकि याकूब में लिखा है जब तुम आनंद करो, है ना, दुखी हो तो उसके लिए प्रार्थना करो, आनंदित हो गीत गाओ, तो इंसान गीत गाते गाते नाच सकता है ना, खुशी है। अब एक इंसान, एक संसारिक इंसान शादी ब्याह में जाता है और वो फिल्म गानों में नाचता है, लेकिन वही इंसान अगर पवित्रता में है और प्रभु के गानों में नाच नहीं रहा बल्कि पवित्र आत्मा से नचा रहा है, तो ये गलत नहीं है मेरे अजीजों। वचन है दूसरा सैमुएल 6:16 से पढ़ूंगा, दूसरा सैमुएल 6:16 से। जब यहोवा का संदेश दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झाँककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते खुदते देखा और उसे मन ही मन तुझ जाना। मेरा जी तो वो किसके लिए नाच रहा था? वो कोई पार्टी नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर का स्वागत करता, आनंद था उसके अंदर। जब आनंद हमसे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम नाचने लगते, और आज नाचोगे आप, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आप नाचोगे, आनंद होगा, प्रभु का आनंद आपको, प्रभु आपको देगा। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि एक 80 साल के बुजुर्ग है, अंकल है, वो प्रभु के घर में गाते गाते बजाते नाचने लगे। तो परमेश्वर का आत्मा हमें आनंदित करता है, कोई गा के आनंद होता है, कोई नाच के करता है, यह आत्मा परमेश्वर हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप कभी देख रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, अगर आपको कोई दास नाचते हुए दिखे उसे मन ही मन तुच्छ मत जानना, उसका मजाक मत उड़ाना। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप साइड हट जाना, लेकिन मन ही मन घृणा मत करना। ये गलती बहुत विश्वासी कर देते हैं और कमियां निकालने लगते हैं, अरे देखो कैसे नाच रहे, अरे तमीज नहीं है ना, ऐसे कोई नाच सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, अरे वो तो दास नहीं आते, ये क्यों नाच रहे। हर किसी की कॉलिंग अलग है, हर किसी का प्रकाशन अलग है। मेरे अजीजों ये गलती मत कर देना, क्योंकि ये गलती हम कर रहे हैं तो ये पवित्र आत्मा के विरोध में कर रहे हैं। दास तो परमेश्वर की हमदो सना कर रहा है, वो इतना दीवाना हो गया है, उसे ना अपने कपड़े का होश होता है ना ही कुछ होता है, वो प्रभु में दीवाना है, जैसे दाऊद राजा था, हालेलुया, और वो परमेश्वर में आनंदित है। और आप भी आनंदित होंगे, मैंने कहा ना प्रभु की अगुवाई में कि आप भी आनंदित होंगे और आप भी आज नाचोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर आपके विलाप को नित्य बदल देता है, प्रेज द लॉर्ड। वचन दिया प्रभु ने अभी कि विलाप को नित्य बदलने का मतलब है कि हम नित्य, यानी कि हमारे दुख को नाच में कर दिया। आप किसी भवन में गए प्रार्थना करने और आप दुखी में हो गए, बीमार हो गए, और तुरंत आपका लड़का, आप ठीक हो गए, तो कैसे आओगे? नाचते खुदते आओगे, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करते आओगे। आज आपका दुख दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। बस ये गलती मत कर देना, किसी को देखते हुए उसे तुच्छ मत जानना। क्या होता है अगर हम किसी को तुच्छ जानते हैं, या वो विश्वासी हो, प्रभु का दास हो, कोई भी हो। देखो, लोग यहोवा का संदूक भीतर लाए और उसे स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया कराया था। अब मैं इसको आगे से पढ़ूंगा, 20 पद से लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आश्वासन देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इसराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासी के सामने ऐसा उंगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उखाड़े रहता है,
उंगाड़े रहता है तब क्या ही पड़ता भी देख पड़ता था। मनी मन तू जाना, जो मन में आया प्रभु ने कहा, जो मन में आएगा मुंह पे आएगा, मुंह पे बोल दिया, जलील कर दिया, तू समझ लिया, वो भूल गई, वो राजा दाऊद की बेइज्जती नहीं करती, परमेश्वर के अभिषेक की बेइज्जती करती थी, परमेश्वर के जन की बेइज्जती करती थी, खुदा का आत्मा दाऊद के अंदर था, वो ना चाह रहा था। जैसे भी मैंने कहा तेरे विलाप को मैं नित्य बदल दूंगा, आप शो कर रहे हो और अचानक से खुशी आपकी आ गई, आप नाचने लगोगे। कोई मरा हुआ इंसान जब जिंदा होता है तो कैसे इंसान इंजॉय करता है, आनंदित करता है, उस समय आप क्या करोगे, रोगे क्या? नहीं मेरे जी, तो नाचोगे। आज 20 साल से आपके संतान नहीं है, परमेश्वर संतान देती है इस साल आपको, आप कैसी खुशी मनाओगे? रोके कोई मनाओगे, हंस के नाच के मनाओगे, परमेश्वर की महिमा करके मनाओगे। आज कोई इंसान बीमार है, ठीक नहीं, और आपका प्रियजन है या आप खुद बीमार हो, प्रभु आपको तुरंत चंगाई देता है, तो कैसे खुशी मनाओगे, नाच के बनाओगे? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करके बनाओगे। जैसे भिखारी को जब पतरस और यूहन्ना ठीक करा तो खुदते हुए गया, तो मेरे जी तो नाचना कूदना परमेश्वर की महिमा करने के बराबर है। परमेश्वर की महिमा करने का मतलब है, हालेलुया। आज प्रभु आपको मुंह मांगा वरदान दे दे, आपके बच्चे की शादी तय हो जाए, तो कैसे करोगे आप? पर आप नाचोगे, तो वही नाच आज नाचोगे, आपके सारे काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस किसी को नाचते हुए देखे तुझ मत जमना, हंसना नहीं, मजाक मत उड़ाना, क्योंकि श्राप पड़ता है मेरे जीजो। और वचन कहता है, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने के लिए ठहराया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा। परमेश्वर के सम्मुख नाचे हैं हम, यानी कि प्रभु को कहता है, प्रवचन कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख नाचो, संसारिक गारों पे नहीं, संसारिक उस पे नहीं, हमें परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा में भरकर नाचना है। हालेलुया, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। बोले कहा, मैं कुछ भी हूँ, मेरी बेइज्जती तुझे लग रही है कि मुझे कोई लोग देख रहे, मजाक उड़ा रहे, उड़ाने दे, मैं तो ऐसे ही नाचूंगा। फिर क्या लिखा है, और मैं इससे भी अधिक तुझ बनूंगा और अपनी दृष्टि में निष्ठ ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वह भी मेरा आदरमान करेगी, यानी कि लोग आदरमान करेंगे, मैं परमेश्वर का जन प्रभु आदरमान करना सिखाएगा। हालेलुया, हम तुझ बन जाते हैं, हम नीच बन जाते हैं परमेश्वर के लिए, तो प्रभु में उठाता है मेरे जी। तो कभी भी किसी बात को लेकर अपने आप को गिल्टी फील मत करना, बेइज्जती करना, अरे लोग देख रहे हैं मैं कैसे करूँ। आपको नाचना नहीं आता, लेकिन होली स्पिरिट जब आता है तो आनंद का आत्मा देता है, तेरे विलाप को आज नित्य बदल लेगा यीशु मसीह। हालेलुया, अब नाचोगे, और नाचना खुशी को दर्शाता है, नाचना परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है, और आज परमेश्वर आपको नचाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज के जीवन में खुशी आएगी आपकी। फिर क्या लिखा है, और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुई, श्राप पड़ गया निसंतान का। इसलिए मेरे, अगर आपने भूल चुक में किसी दास को, किसी विश्वासी को नाचते हुए तू समझा है, बेइज्जती समझी, या अपने आप को सोचा है कि मैं कैसे नाचूं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो क्षमा मांगना कि परमेश्वर हमें श्राप से बचाए, जो मिकल में पड़ा था संतान। अब ये नहीं कि संतान आपको कि मेरे संतान हो गई ना, संतान श्राप का मतलब है कोई भी श्राप पड़ सकता है मेरे जीजो, कोई भी बीमारी हम पे आ सकती है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करा है, प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को तू समझा, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे लजाएगा मैं उससे लजाऊंगा। आज आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, आपके बिल आपको नित्य बदल रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, तूने आज बहुत लोगों से बात की, धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ, प्रभु यीशु मसीह पिता आज इनके विलाप को नित्य बदल देना, ये भी नाचे खुशी बनाए, और आज इनके जीवन में खुशियाँ आ रही यीशु मसीह के नाम में, आज सारे दुख खत्म होंगे और आज बहुत बड़ी खुशियाँ से नाचेंगे, और जो नाचेगा तेरी महिमा करेगा। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आज की डेट लिख लेना, और आज जो नाचेगा यानी कि आपको खुशी आने वाली है, और खुशी आते नाचना, और मुझे कमेंट बताना कि प्रभु ने आज किस किस को नचाया है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। फिर कहूँगा, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन पे, आप तुरंत जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 लोग मुझे उस चैनल पे चाहिए, ताकि लाइव प्रार्थना आ सके और आपके जीवन में और काम हो सके। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।